रिव्यू हो चुका है, तो दूसरी बार इसने बुलाया आपको, कितनी चीजें प्रैक्टिकल, मतलब ये मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल क्लास में पूरा पर्याप्त तो प्रैक्टिकल का टाइम मिलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मिलता है सर, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी। देव सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं हमें, और वैसे मेरा ये कहना है कि देव सर मतलब आज दिन तक मुझे ऐसा फील होता है कि इतना बढ़िया और इतना अच्छा गुरु जो मिला है हमें हाई लेवल का, मतलब बहुत लेट मिला है। वैसे पहले मिल जाना चाहिए था, या फिर मुझे यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए था, मेरे से बहुत मिस हुआ। मतलब इसके लिए मैं खुद का मतलब वो गुनहगार हूँ, खुद गुनहगार हूँ। चलिए ठीक है, तो एशिया टेलीकॉम को मैं सैल्यूट करता हूँ, देव सर को सैल्यूट करता हूँ, और यहाँ के जितने भी टीचर हैं उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ग्राफिक की क्लास का अनुभव ये रहा कि जो दिन में देव सर ने जो पढ़ाया थ्योरी के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया उन्होंने और हमें बताया विद प्रैक्टिकल। उसके बाद में फिर हमने लैब में प्रैक्टिकल भी किया, खुद जाना, जितने भी चिप हैं, कॉलकम हो गया, MTK हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जितने भी उनसे रिलेटेड जो ग्राफिक्स से जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, जो हमें पूरी एंडलेस उन्होंने बताई, कहाँ से क्या फॉल्ट आता है, किस चीज़ का, कहाँ पे कितने वोल्टेज मिलते हैं, कहाँ पे कितना GR आता है, जो भी था हमने उन्होंने सर ने एकदम राइट तरीके से हमें बताया, जो हमने सीखा और विद प्रैक्टिकल हमने किया भी, से जो कि सेट हमने बना के दिया। ये बताइए, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद सर। गुलाम मोहम्मद, इसके पहले यहाँ मोबाइल इंडस्ट्री में एशिया टेलीकॉम आने से पहले आप क्या करते थे? सर मोबाइल का ही काम करता था, बाकी बहुत उलझ जाता था सर, बहुत उलझ जाता जी जी सर। तो आज सुलझे कि नहीं सुलझे? बहुत बेहतरीन काम। ग्राफिक्स की पोजीशन क्या? एक एक ट्रैक समझ में आई सर, एक एक ट्रैक समझ में आई, कितनी भी लाइन, कितनी वैल्यू क्या है, सब समझ में आया सर, सारी चीज आपके जी पास सर है? जी। तो कैसे लगी आपको आज? बहुत बेहतरीन लगी सर। और देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बहुत बेहतरीन, बहुत जी सर, बहुत। और यहाँ पर सारी चीजों का प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? ना सर, पूरा संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट, पूरा संतुष्ट मेरे साथ। लो भाई एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपके पास एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं ग्राफिक्स का? जी सर बिल्कुल। आपको -5, -5, -5, +5 कहां से मिले आपको? ग्राफिक्स आईसी से। ग्राफिक्स आईसी से मिले। और अगर ये बताइए मेरे को कि अगर आपका इसमें से आपको 1.8 कितने मिले? 4 1.8 मिले। अगर एक मिस होता तो आपका ग्राफिक्स बनता क्या? नहीं बनता। 4 वोल्ट आपका मिस होता तो बनता क्या आपका? आपके पास दो कैपेसिटर -5, +5 के निकले होते, BSN और BSP के निकले होते, तो आपको क्या मिलता? आपका ग्राफिक्स मिलता क्या? नहीं मिलता सर। चलिए ठीक है, तो आपने लेवल 0 लेवल से पेड लाइन बनी इसके आपके अंदर। अगर 25 बार अगर किसी ने IC निकाली लगा दी और उसके बाद भी सेट नहीं चालू हुआ, तो आप बना सकते हो? बना सकते हो? क्लास बना सकती है कि नहीं बना सकते? चलिए Xiaomi में जाएंगे और Note 7 को क्लिक करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिए, Redmi Note 7। ये और टिक करेंगे, ये आ गया। अब इस फोन में, क्योंकि हमको डायग्राम के बिना ये लाइन नहीं ढूंढ सकते, क्यों नहीं ढूंढ सकते? रीजन क्या है? क्योंकि इन लाइनों में टच की लाइन भी है और लाइट की लाइन भी है, इसलिए हम अंदाजा नहीं मार सकते। हम 3 वोल्टेज में तो अंदाजा मार सकते हैं, +5, -5 और 1.8 जो हमारे लिए परफेक्ट है, और इसके GR का अंदाजा मार सकते हैं, पर हम टच की लाइनों का अंदाजा नहीं मार सकते। तो वो टच और रिसेट एक ही साथ, कोई एक पर टच आ रहा होगा, एक पर रिसेट, एक पर फिर टच, इसलिए तो हमको कंफर्मेशन हमारा डायग्राम बताएगा। सो आपको डायग्राम खोलिएगा। अब कहां जाऊं? दिल्ली बताओ। चलेगा हूं? ये गया। अब यहां पर ध्यान दो, ये किसकी सप्लाई है? जल्दी बताइए। बोलो प्यारे मोहन, खड़े होके बोलो सर। रिसेट ID, अब देखो ID और केवल किस पर वोल्टेज चाहिए? रिसेट, कितना वोल्टेज? देखो पूरा चेक करेंगे। अब देखो, अब इस डायग्राम के पिछले भाग में जाते हैं इधर। चलिए यहां से नीचे से चालू करते हैं। सब लोग देखो, कनेक्टर देखो, बताओ ये किसकी लाइन है? LED लाइट। अब देखो ये हमारे काम की नहीं है, NDC ID मिल गया, रिसेट और TE मिल गया। यहाँ पर
पीछे फोटो एक बार चेक करते हैं। इसके भी अंदर क्या आना चाहिए बताओ। जब आईसी लगेगी तो यहाँ पर कितना जीआर आ जाएगा कितना बताओ। क्लियर है? कौन सी लाइन है? अब कूल टेस्टिंग करूंगा तो मुझे E3 पर बताओ कौन से दो पैड पर मुझे OL मिलना चाहिए, जल्दी बताइए। E3 सब लोग याद आ दो। E3 कितने पैड पर? E3 चलो देखिए। ए बोलो। ए बी सी डी ई बोलो। इवन मतलब इस पैड पे OL आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखो अगर मैं इस पैड पर टच करूं, अगर मैं इस पैड पर टच करूं एक मिनट तो मुझे OL आना चाहिए। ध्यान देना, देखो क्या आ रहा है बताओ। OL मैंने डिस्प्ले लगाया हुआ था इस वजह से मुझे GR मिल रहा था। डिस्प्ले अपना GR दे रहा था उधर। अब मैंने डिस्प्ले हटा दिया और ध्यान देना बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें ये पता करना है कि अगर तुम्हारा ये ट्रैक डिस्प्ले करेक्टर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कहता है कि ट्रैक बीच में क्या हो मिसिंग, तो तुम डिस्प्ले करेक्टर लगा के चेक करना। और जैसे ही तुम डिस्प्ले करेक्टर लगाओगे यहाँ पर GR आ जाएगा। क्या जाएगा? अब मैं फिर से ला रहा हूं, अगर डिस्प्ले करेक्टर लगाया और अगर E3 और A2 पर GR आ गया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ट्रैक करेक्टर तक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो सब लोग नोटिस करो, देखो अभी मैंने लगाया है कि नहीं लगाया बताओ। नहीं लगाया। नहीं लगाया क्योंकि मैं नीचे तक कंटिन्यूटी लूं, कई बार ये ऐसी पीछे होती है, कहीं भी हो सकती है, तो ये मेरा ग्राउंड है। अब मैंने एक सिरे को ग्राउंड कर दिया इधर और ग्राउंड चेक कर लूंगा पहले, तो ये 0-0 आ गया। अब यहां पर मैं E3 पे चेक करूंगा, किधर चेक करूंगा बताओ? बताओ क्या आ रहा है? और A2 पे चेक करूंगा, A1 A2 क्या आ रहा है बताओ? अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? अब क्या करूं बताओ? वापस चेक करूं? अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मतलब क्या है बोलो? मतलब क्या है बताओ? और ये माइनस की लाइन है इसलिए यहाँ पे कोई GR नहीं आएगा। अब एक कंटिन्यूटी मोड भी यहाँ से कर सकते हैं कि इसके बाद इनमें से कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो ये टच करूंगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी ग्राफिक्स आईसी निकाल के पूरा उसका डायग्राम बना के कौन सी सप्लाई कहाँ जाती है, कितने पॉइंट की रहती है, कितने एम्पियर की रहती है, वोल्ट की रहती है, सब डायग्राम के साथ अभी एक्सप्लेन करने वाले। एक्सप्लेन करूँगा। तो आज आपका ग्राफिक सेक्शन देव सर के साथ में हुआ है, तो जितना भी जो भी चीज़ें सर ने बताई हैं, +5 -5 1.8 कमांड की लाइन और जो जो भी वोल्टेजेस आती हैं, जो भी लाइंस आती है, सब सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो सारे दिमाग में आपको A to Z अभी आप इसको ग्राफ बना के बताने वाले हैं आराम से। तो चलिए ठीक है, अभी इसमें आप आईसी निकालेंगे? बिल्कुल ठीक है, आईसी निकालिए। ये देख लीजिए चालू है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल इसमें ग्राफिक्स अवेलेबल है और ये ग्राफिक्स आईसी निकालेंगे और ग्राफिक आईसी को लगाएंगे टेस्ट करने के बाद। चलिए ठीक है, वोल्टेज दिखाना है सर? वोल्टेज चेक करके दिखाना है? वोल्टेज चेक करके दिखाना है?
लक्ष्य लगा दिया है बस चलने दो चलने दो आ जाएगा आएगा तो ठीक है नहीं तो हम ला देंगे आप लाइव कर रहे हैं यस सर लो भाई एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आपके पास एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं ग्राफिक्स का जी सर बिल्कुल आपको -5 -5 -5 +5 कहां से मिले आपको ग्राफिक्स आईसी से मिले और अगर ये बताइए मेरे को कि अगर आपका इसमें से आपको 1.8 कितने मिले चार 1.8 मिले अगर एक मिस होता तो आपका ग्राफिक्स बनता क्या नहीं बनता चार वोल्ट आपका मिस होता तो बनता क्या आपका आपके पास दो कैपेसिटर -5 +5 के निकले होते BSN और BSP के निकले होते तो आपको क्या मिलता आपका ग्राफिक्स मिलता क्या नहीं मिलता सर चलिए ठीक है तो आपने लेवल जीरो लेवल से पेड लाइन बने इसके आपके अंदर अगर 25 बार अगर किसी ने आईसी निकाली लगा दी उसके बाद भी सेट नहीं चालू हुआ तो आप बना सकते नहीं बना सकते क्लास बना सकती कि चलिए मेरा नाम गुलाम मोहम्मद सर गुलाम मोहम्मद इसके पहले यहाँ मोबाइल इंडस्ट्री में एशिया टेलीकॉम आने से पहले आप क्या करते थे सर मोबाइल का ही काम करता था बाकी बहुत उलझ जाता था सर बहुत उलझ जाता जी जी सर तो आज सुलझे कि नहीं सुलझे बहुत बेहतरीन काम ग्राफिक्स की पोजीशन क्या एक एक ट्रैक समझ में आई सर एक एक ट्रैक समझ में आई कितनी भी लाइन कितनी वैल्यू क्या है सब समझ में आया सर सारी चीज आपके पास जी सर जी तो कैसे लगी आपको आज बहुत बेहतरीन लगी सर देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगा बहुत बेहतरीन बहुत एंडलेस जी सर बहुत और यहाँ पर सारी चीजों का प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ ना सर पूरा संतुष्ट है पूरा संतुष्ट पूरा संतुष्ट मेरे साथ मतलब तो तुम्हारा ग्राफिक्स बना कि नहीं सर बना हमारा बना बिल्कुल दिमाग में ग्राफिक्स बन गया पूरा सर दिमाग में बन गया अब तुम सोचो कितने सेट रिटर्न करे थे ग्राफिक्स के काफी सेट सर बहुत सारे सेट रिटर्न हुए इस चीज के लिए अच्छा बाय प्रैक्टिकल भी हमने क्लास में करा यस सर चार चार मोबाइल पे करा यस देव सर के साथ भी आपके देव सर के साथ 5.5 घंटे की क्लास थी क्या नजरिया था देखने का पढ़ने का समझने का और उन्होंने वहाँ पे लाइव सेट भी बनाया ना यस सर हमारे सामने लाइव सेट बताया लाइव सेट बनाया आपके यस सर तो कैसा लगा आपको सर काफी अच्छा लगा हमको पूरा क्रिस्टल क्लियर है पूरा क्लियर कर दिया सर उन्होंने कि कैसे बोर्ड को देखना है उन्होंने हमारा नजरिया आपको 7 दिन का सफर बोलू तो बहुत शानदार रहा सर A to Z सर अभी तक हाँ सर अभी 7 दिन में सर इतना दिख रहा है अभी अभी तो अपनी क्लास 22 से 23 दिन की बची हुई है तो है ना कोई सा ऐसा दिन खाली जाता है कि जिस दिन नॉलेज नहीं मिला हो आपको नहीं सर नया नॉलेज नहीं मिला हो सर डबल नॉलेज मिलता है सर डबल नॉलेज डबल ट्रिपल सब मिलता है सर मिलता है पूरा यस सर एक एक चीज एक एक चीज सर हाँ तो अभी ये बताइए कि आज ग्राफिक की क्लास आपकी 11:30 बजे से देव सर के साथ थी क्या पोजीशन रही आपकी सर बहुत अच्छे तरीके से सर बताया एक नहीं दो नहीं तीन मतलब होगा क्यों नहीं होगा तो हर चीज का सोल्यूशन है आपके पास एंडलेस सोल्यूशन है कि नहीं सर एंडलेस सोल्यूशन है एंडलेस सोल्यूशन है सर सर ग्राफिक की क्लास का अनुभव ये रहा कि जो दिन में देव सर ने जो पढ़ाया थ्योरी के माध्यम से वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया उन्होंने और हमें बताया विद प्रैक्टिकल उसके बाद में फिर हमने लैब में प्रैक्टिकल भी किया कुछ जाना जितने भी
चिप हैं, कॉलकॉम हो गया, एमटीके हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जितने भी उनसे रिलेटेड जो ग्राफिक्स से जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी जो हमें पूरी एंडलेस उन्होंने बताई कहाँ से क्या फॉल्ट आता है, किस चीज़ का कहाँ पे कितने वोल्टेज मिलते हैं, कहाँ पे कितना जीआर आता है, जो भी था हमने उन्होंने सर ने एकदम राइट तरीके से हमें बताया, जो हमने सीखा और विद प्रैक्टिकल हमने किया भी से जो कि सेट हमने बना के दिया। अच्छा ये बताइए मेरे को कि आपके पास मल्टी ब्रांड का कोई सा भी मोबाइल आए तो आपको किसी ब्रांड से मतलब है कि आपको सीपीयू से मतलब है? सीपीयू से मतलब है सर, मॉडल वाइज तो बहुत हैं, अपन को सीपीयू देख के उस पहचानना है कि बस ये अपना कहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन सा चीज़ कहाँ पे अपन को सर्च करना है, डायग्नोस करना है, वो सब हमने बताया सीपीयू वाइज। आपको कहाँ से वोल्टेज उठाना है, कितने वोल्टेज आते हैं, ये आपको आइडिया है? आइडिया है। आपको कहाँ पे डीएसओ लगा के फ्रीक्वेंसी चेक करना है डिस्प्ले कनेक्टर में, ये आइडिया है? ये आइडिया है, है ना? ऑन मोबाइल का विद बैटरी कनेक्टर का, विद डिस्प्ले कनेक्टर का, विदाउट डिस्प्ले कनेक्टर, विदाउट बैटरी कनेक्टर, सबका नॉलेज है तो हम चेक कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, पूरी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन एंडलेस कर सकते हैं और सेट कर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, आज सुबह में हम लोग का देव सर के साथ में क्लास था, जितना भी ग्राफिक सेक्शन था हम लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस भी, थ्योरी में उधर में सीखा भी, इधर में आके प्रैक्टिस भी किया, बहुत बढ़िया लगा। अभी जो जितना भी था हम लोग को पहले तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी एशिया टेलीकॉम में आके बहुत नॉलेज मिला है हम लोग को। तो ये बताओ मेरे को कि आज जो ग्राफिक सेक्शन था किस क्या लेवल से देखते हो सर के साथ? आपकी क्लास थी ग्राफिक सेक्शन की, तो किस लेवल से आप देखते हो? हम लोग जीरो में थे, अभी पूरा हाई लेवल हो गया है सर, पूरा हाई लेवल हो गया। तो ये बताइए मेरे को कि आज की जो आपकी क्लास थी प्रैक्टिकल क्लास थी, तो प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग ने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के ग्राफिक्स का जितना भी सेक्शन है कहाँ से कितना बोल आता है, कहाँ से कितना बोल आता है, वो पूरा चेक किया और सेट को चालू भी किया, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। दीपांकर सर, मेरा नाम। दीपांकर, क्या आज अपनी ग्राफिक्स की क्लास थी, क्या लेवल था हमारा? सर बहुत उम्मीद से भी ज़्यादा, जो मतलब कि सर की क्लास दी हुई है वो समझ से ज़्यादा, और उसके बाद प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उसके बाद तो मतलब दिमाग में घुस जाती है सारी चीज़ें, दिमाग में आ जाती है। और उसके बाद आपने ये प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? सर प्रैक्टिकल क्लास में हमने डिस्प्ले जो कनेक्टर होता है उसको वहाँ से डायग्नोस करके आईसी के पैड तक उसको मतलब कि जाना कि हाँ भाई कैसे काम करता है। आपके वर्किंग वोल्टेज जो आपके डिस्प्ले के लिए रिक्वायर्ड है, जो ग्राफिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो उसकी रीडिंग आपने पूरी की पूरी ली की नहीं? यस। आपको पूरा मालूम है कि कौन सी जगह से कहाँ से निकलेगा, कहाँ एंडलेस आएगा, ये आपको पूरा मालूम है? यस सर। चलिए, अगर तो आपको कोई सा भी बोर्ड दे तो अभी आपको ग्राफिक्स बना सकते कि नहीं बना सकते? सर क्यों नहीं। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी, आज ग्राफिक्स का क्लास था हमारा। यस, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज ग्राफिक्स का क्लास था, आज बहुत अच्छा रहा। ग्राफिक्स में मतलब सेक्शन, हर सेक्शन वाइज हमको मतलब पढ़ाया गया, और हर एक इनलेस तरीके से एकदम समझाया गया, और बहुत अच्छा लगा। तो देव सर के साथ क्लास थी, कोई चीज़ ऐसी कि कम ज़्यादा मिली हो क्या, क्या क्या लेवल था उनका पढ़ाने का ग्राफिक्स का? लेवल तो बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल का लेवल आई था एकदम। मतलब ऐसा कि कोई आपको खाली थ्योरी दिया कि वहाँ पे प्रैक्टिकल सेट ऑन करके बताया उन्होंने? प्रैक्टिकल सेट ऑन करके एकदम लाइव दिखाया, लाइव दिखाया। तो सर की क्लास लाइव होती है एकदम। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम कृष्ण प्रकाश तिवारी, झारखंड से हूँ सर। हाँ कृष्णा बोलिए। आज सुबह में देव सर के साथ ग्राफिक की क्लास थी, 5-6 घंटे की क्लास थी। देव सर ने बहुत डीपली नॉलेज दिया, एकदम शुरू जीरो से पूरा जितना लास्ट तक होता पूरा हर तरीके से नॉलेज उन्होंने बताया बराबर। और देव सर के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि देव सर बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं हर तरीके से, एक ही चीज़ को वो कई बार 3 बार 4 बार 5 बार हर तरीके से बताते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है जी। और बस। और फिर ये प्रैक्टिकल क्लास में आके क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में आके सर हम लोगों ने ग्राफिक सेक्शन का जो डिस्प्ले कनेक्टर जो होता है वहाँ से हम लोगों ने पूरा ट्रेसिंग किया हर तरीके से, जो भी है कौन कौन से लाइन आती है, कितनी वोल्टेज आती है, वो हर तरीके से ट्रेसिंग करके उसको शॉर्ट आउट किया। आपके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड आईसी 15 वोल्ट का अगर ग्राफिक्स आईसी आता है, या आपके पास पीएमआई आता है या पीएमएल आता है ना, अगर कोई सा भी आईसी अगर आपके पास आता है ना, तो आप उसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना सकते सर, आपको मालूम है सब कुछ। PMI हो गया, PML हो गया, या 63P आता है आपके पास, MediaTek का 63P आता है, और यहाँ आपके पास डेडिकेटेड 15 वोल्ट का आईसी आता है। अभी तक तो सर नहीं पता था इससे पहले, बट एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद से बहुत कुछ पता चल गया, हर चीज़ का मैंने देखने का नज़रिया, बोर्ड को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, हर कुछ चेंज हो गया। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एशिया टेलीकॉम एक समुद्र है, जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर के जाएंगे सर। बराबर, ये हमें चाहिए कि कितना पानी लेके जाना है। हेलो, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है।
हेलो, ये रवि है, छत्तीसगढ़ से आए हैं। बताइए रवि, आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास, तो ग्राफिक्स बना कि नहीं तुम्हारा? सर बना, सर बना। तुम्हारा क्लास बना नहीं, एक्चुअली आज पता चला तुम्हारा ग्राफिक्स, तुम्हारे दिमाग में ग्राफिक्स बना कि नहीं बना? वो बना सर, वो बना। कल लाइट जलाना है हमको और आज ग्राफिक्स बनाया है। ग्राफिक्स बनाना है, दिमाग में बन गया है। अब प्रैक्टिस करते करते बोर्ड पे भी बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा, तो अभी प्रैक्टिकल क्लास आपकी देव सर के साथ क्लास थी, क्या लेवल की क्लास थी आप? सर रोज की तरह वही था, सुपर 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 था। और अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया सर आपने? सर जो सुबह थ्योरी मिला उसका शाम को प्रैक्टिकल हुआ। किस लेवल से करा आपने? आईसी का पेड लाइन उठा के आईसी का पेड लाइन बनाया आपने? हाँ सर, वो चीज़ किया हमने, जो चीज़ें हमने को सुबह वर्बली हम पढ़े उसको हमने शाम को प्रैक्टिकली कॉपी पे उतारा, मतलब वर्ड्स को सुनकर पेन के थ्रू उतारा। अच्छा, और दूसरा चीज़ ये कि प्रैक्टिकल क्लास में आपको पूरा प्रैक्टिकल करने का वक्त मिला कि नहीं मिला ईमानदारी से? मतलब आप 6 बजे से आए, अभी टाइम हो रहा है आपका 9:30 हो रहा है, अभी 9:30 हो रहा है, तो आपको ईमानदारी से पर्याप्त प्रैक्टिकल का टाइम मिला कि नहीं? नहीं, समय तो सर बहुत मिलता है, समय पूरा मिलता, इनफ समय मिलता। ईमानदारी से टीचर देते हैं, एक टीचर देता है, दो टीचर देता है कि तीन टीचर देते हैं प्रैक्टिकल? सब सारे जितने हैं सब देते हैं, मतलब हर एक टीचर पूरा 100% देता है जब तक हम नहीं निकलते और हमारे बाद टीचर्स निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, आर यू सेटिस्फाई फॉर दिस क्लास? हाँ, आज की क्लास से मैं बहुत सेटिस्फाई। यहाँ आके वो डाटा शीट बना के सब डाटा शीट बना के आपने पूरा क्लियर? यस। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम मासूक अली है। हाँ, बताइए क्या क्लास था आज हमारा? सर आज मेरा ग्राफिक का क्लास था। ग्राफिक्स का क्लास कैसा लगा आपको? ग्राफिक्स का क्लास सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ समझ में ही आपको? यस सर। उस चीज़ का प्रैक्टिकल किया आपने? जी सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। यस सर, मेरा नाम मोहित चौरसिया है। हाँ जी सर, आज ग्राफिक्स का क्लास था, आईपीएस डिस्प्ले का हमने पूरा ग्राफिक्स पढ़ा, एंडलेस सॉल्यूशन देव सर ने हमको दिया, शुरू से लेकर आखिरी तक की लाइन हमें बताई, उसके बाद हमने आके यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में बहुत जल्दी मैंने तो फाइंड कर लिया, मैं इतना अच्छा समझ गया कि मैंने बहुत जल्दी फाइंड कर लिया कि कौन सी लाइन कहाँ से एंड तक जा रही है, एंड तक फाइंड किया सर। उसका डेटा शीट बनाया हमने हमारी बुक में, वो हमेशा हमारे पास रहेगा। अभी अगर कोई ग्राफिक्स का सेट आता है सर, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, कोई सा भी, कोई ब्रांड का सीपीयू लगाओ, कोई सा भी। हमने सीपीयू वाइज पढ़ा ना सर, हम सीपीयू देख के बता देंगे। चला, मॉडल से कोई मतलब? मॉडल से कोई मतलब नहीं, कोई सा भी सेट है। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। यस सर, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बेसिकली महाराष्ट्र से है, सॉरी राजस्थान से है। इनका रिव्यू हो चुका है, मैं दूसरी बार इसलिए बुलाया। आपको कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल, मतलब ये मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल क्लास में पूरा पर्याप्त प्रैक्टिकल का टाइम मिलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मिलता है सर, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी। देव सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं हमें, और वैसे मेरा ये कहना है कि देव सर, मतलब आज दिन तक मुझे ऐसा फील होता है कि इतना बढ़िया और इतना अच्छा गुरु जो मिला है हमें हाई लेवल का, मतलब बहुत लेट मिला है। वैसे पहले मिल जाना चाहिए था, या फिर मुझे यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए था, मेरे से बहुत मिस हुआ। मतलब इसके लिए मैं खुद का, मतलब वो गुनहगार खुद गुनहगार हूँ। चलिए ठीक है, तो एशिया टेलीकॉम को मैं सैल्यूट करता हूँ, देव सर को सैल्यूट करता हूँ, और यहाँ के जितने भी टीचर हैं उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं नेपाल से। रवि, रवि एक कितनी बड़ी चीज़ अभी रात में सीखने को मिली है आपको? बहुत बड़ी सर, सीख मिलेगी अब। चलिए बताइए, सवेरे से ग्राफिक्स की क्या क्या क्लास थी आपकी? आज ग्राफिक सेक्शन था। ग्राफिक सेक्शन में हम लोग को पूरा सिखाया गया कनेक्टर में कितना, किस लेवल से सर ने किस लेवल से पढ़ाया ग्राफिक्स को आपको? लो लेवल से हाई लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक अभी सारी चीजें एकदम बारीकी। अभी अपन ने लाइव सेट से आपने क्या किया है यहाँ पे? लाइव सेट से हम लोग वो आई सी निकाल कर ट्रेस किए, मतलब कौन सा लाइन में जा रहा है ग्राफिक का वोल्टेज, वो सब सारी चीज़ हमने ट्रेस की। ग्राफिक का वोल्टेज पूरा पूरा आपको पूरी की पूरी लाइन पता पूरी है लाइन है ना, कौन सी सीपीयू से आ रही है, कौन सी पावर से आ रही है, कौन सी ग्राफिक्स आईसी से आ रही है, हम लोग को पता है कौन सा ग्राफिक आईसी लगे होते हैं। अच्छा, अगर विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं? अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली सीपीयू